हाँ जी, अब हम अपनी सैलरी का जो लास्ट रिवीजन पोर्शन है, रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट, वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट 6 होते हैं: ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, वीआरएस यानी कि वॉलेंटरली रिटायरमेंट स्कीम, या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अगर ये 6 बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो कितना टैक्सेबल होगा या कितना एग्जेम्प्ट होगा, ये हमें निकालना है। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। इसमें क्या है कि ग्रेचुटी क्या होता है, पहले हम ये बात करेंगे। ग्रेचुटी का मतलब होता है, ग्रेचुटी इज द रिवॉर्ड, ग्रेचुटी एक रिवॉर्ड है विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर द पास्ट मेरिटिशियस सर्विसेज। जो एम्प्लॉय ने आज तक एम्प्लॉयर को सालों से पास्ट मेरिटिशियस बढ़िया सर्विसेज, बेहतरीन सर्विसेज दिए जा रहा है, उनके बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक तरह का रिवॉर्ड देता है, एंड दैट इज नोन एज ग्रेचुटी। हाँ जी, अब मैं डिस्कस करूंगा, अगर ग्रेचुटी मिलती है एम्प्लॉय को यानी कि खुद को एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद, और अगर वो मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो ये ग्रेचुटी रहेगी फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब अगर ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिलती है रिटायरमेंट के बाद, तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड एम्प्लॉय मस्ट बी द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली ग्रेचुटी फुली एग्जेम्प्ट है। अगर यही एम्प्लॉय ग्रेचुटी मिलती है लीगल आयर ऑफ द एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है लेकिन ये पैसा उसके फैमिली मेंबर को मिलता है, तो दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिए प्लीज, आपने यहां पर ये समझ लिया कि ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो अदर फुली एग्जेम्प्ट, और अगर ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी, सॉरी एम्प्लॉय को ही नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय के डेथ के बाद मिलेगी फैमिली मेंबर्स को, तो वो इस चैप्टर में नहीं आएगी। इस चैप्टर में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई। अभी पेयर तो एम्प्लॉयर था पर पेई तो एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉय की तो डेथ हो चुकी है, पैसा उसके लीगल आयर को मिल रहा है, तो ये पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं माना जाएगा, इसलिए ये पैसा इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना टैक्सेबल होगा? क्या इसके रूल सैलरी चैप्टर में लिखे हैं या इसके रूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखे हैं? इसका आंसर है कि अगर पैसा एम्प्लॉय को नहीं मिला, एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को मिला, तो पैसा तो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, टैक्सेबिलिटी तो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, बट वो कितना टैक्सेबल होगा, ये अमाउंट वही रहेगा जो अगर उसे एम्प्लॉय को मिलता तो जितना सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल होता उतना ही अदर सोर्स में टैक्सेबल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और पैसा उसके फैमिली मेंबर्स को मिला है लीगल आयर को, तो ये पैसा फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, बिकॉज अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ ना होती और उसे पैसा सैलरी चैप्टर में मिलता तो भी ये फुली एग्जेम्प्ट होता। इसी तरह अगर ये अदर सोर्स में लीगल आयर को मिलता है और वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। हाँ जी, ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर ग्रेचुटी मिलेगी लीगल आयर ऑफ द एम्प्लॉय को तो ये टैक्सेबल रहेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बट ये उतना ही टैक्सेबल रहेगा जितना इस चैप्टर में टैक्सेबल होता। आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रेचुटी अगर मिलती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय को खुद को। अब लीगल आयर तो मैंने फिनिश कर दिया, अगर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो उसके दो केस हैं, या तो एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, या एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। जो इंडिया में एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में एम्प्लॉय कवर्ड है तो वो हमारे फर्स्ट केस में आ जाएगा, और अगर वो कवर्ड नहीं है तो वो सेकेंड केस में आ जाएगा। इस चैप्टर में हमें यह सीखने की जरूरत नहीं है कि एक एम्प्लॉय कब कवर्ड होता है कब कवर्ड नहीं होता, यह पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि क्वेश्चन में यह बात मेंशन होगी कि वेदर ही इज कवर्ड और नॉट, और अगर क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं है तो आप इसे नॉट कवर्ड मान के चलेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि वो कवर्ड है या नॉट कवर्ड, तो आप नॉट कवर्ड को प्रेफरेंस देके चलेंगे। हां जी, अगर एम्प्लॉय कवर्ड है पेमेंट अंडर ग्रेचुटी एक्ट तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, और अगर वो कवर्ड नहीं है तो भी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। यानी कि तीन लिमिट्स हैं, कवर्ड के केस में भी तीन लिमिट है, नॉट कवर्ड के केस में भी तीन लिमिट है, और उन तीनों में आपको कैलकुलेशन करनी है। उन तीनों की कैलकुलेशन में जो सबसे कम अमाउंट आएगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट, और बैलेंस पोर्शन विल ऑटोमेटिकली टैक्सेबल। देखिए,
कवर्ड में पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव. आपने नोटिस किया होगा, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं जहां पर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्ड होता है. जैसे एचआरए में पढ़ा था, याद आया नहीं आया, तो उनमें भी हमने क्या देखा था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्ड. डिडक्शन में पढ़ा था, जो सेक्शन 16 की डिडक्शन थी एंटरटेनमेंट अलाउंस की, वहां पे हमने पढ़ा था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल नॉट एग्जेम्प्ट, बट वहां पर भी तीन पॉइंट थे. वहां पर भी पहला पॉइंट था एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव. इसी तरह ग्रेचुटी में जो एग्जेम्पशन है वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री इज एग्जेम्प्ट, और पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, जितना आपको ग्रेचुटी मिला. और ये सेम है इन द केस ऑफ नॉट कवर्ड. फ्रेंड्स, मैं दोनों को रिवाइज एक साथ इसलिए करवा रहा हूं कि आप कंपैरिजन भी कर पाए. दूसरा पॉइंट है 15/26, 15 दिन के बेस पर हमें ग्रेचुटी का एग्जेम्पशन निकालना है. 26 का मतलब है 26 दिन महीने में होते हैं जो वर्किंग होते हैं, 15/26. लेकिन जो केस नंबर 2 नॉट कवर्ड है वहां पर हम 15/30 लेते हैं, यानी कि महीने में 30 दिन मान के चलते हैं. इंटू लास्ट ड्रोन सैलरी, जो सैलरी आपने सबसे आखिर में ड्रॉ की, इंटू एवरेज सैलरी, उधर एवरेज सैलरी लेंगे, इधर कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, और वहां पे लेंगे कंप्लीटेड ईयर्स ओनली. तो 15/26, 15/30 में कोई इशू नहीं है. लास्ट ड्रोन सैलरी मतलब जो आपने आखिरी महीने की सैलरी ड्रॉ की. एवरेज सैलरी का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. इसका मतलब है कि अगर आपने कंपनी में 16 साल और 11 महीने कंप्लीट कर लिए थे, रिटायरमेंट के टाइम पे आपने कंपनी में 16 साल 11 महीने काम किया था, तो हम जो तीसरा पॉइंट है ना, जहां कंप्लीटेड ईयर और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ लिखा है, वहां पर हम मल्टीप्लाई बाय 16 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे. बिकॉज जो फ्रैक्शन मंथ के है ना, वो एक्चुअली में 6 मंथ से ज्यादा हो तो एक साल हम और काउंट कर लेंगे. जैसे अगर क्वेश्चन में होता है 16 साल 5 महीने, तो मैं 5 महीने छोड़ देता, मैं 16 साल लेता. अगर लिखा होता 16 साल 7 महीने, तो मैं 17 साल लेता. अब ये बताओ, अगर क्वेश्चन में लिखा हो 16 साल 6 महीने, तो आप कितना लेंगे, 16 या 17? आंसर है 16 साल. वाई? इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. 6 मंथ एंड 1 डे होना, तब नेक्स्ट ईयर को कंप्यूट किया जाएगा, वरना इग्नोर किया जाएगा. हाँ जी, और उधर लिखा है कंप्लीटेड ईयर्स ओनली, उसका तो बड़ा सिंपल मतलब है कि अगर आपने 16 साल काम किया है तो 16 साल, 16 साल 6 महीने काम किया है तो 16 साल, 16 साल 10 महीने काम किया है तो भी 16 साल. जितने ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं बस उतने ही लिए जाएंगे, बाकी नहीं लिए जाएंगे. तीसरा पॉइंट है 10 लाख, और उधर भी है 10 लाख. तो मैंने आपको ग्रेचुटी में नॉन गवर्नमेंट को जो एग्जम्पशन मिलती है वो 3 में से कोई 1 मिलती है, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया. इसमें क्या होता है, मीनिंग ऑफ सैलरी, मैं बात कर रहा हूं. इधर आपने पढ़ा था लास्ट ड्रोन सैलरी, उधर आपने पढ़ा था एवरेज सैलरी. अच्छा, जो लास्ट ड्रोन सैलरी होता है उसका मतलब क्या है, जो आखिरी महीने की सैलरी ड्रॉ की. फ्रेंड्स, एक बात बताओ, एम्प्लॉई को तो हर महीने बहुत कुछ मिलता है, सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, परक्विजिट मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कुछ या कुछ और भी बहुत सारे मिलते हैं. क्या हम सैलरी में सब कुछ लेंगे लास्ट ड्रोन में? आखिरी महीने की सैलरी में क्या क्या स्पेशल कैलकुलेट किया जाएगा? आंसर है, लास्ट ड्रोन सैलरी में बेसिक प्लस डीए लिया जाएगा, और यहां पर डीए फुल है. जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था डीए इफ एंटर होता है, बट यहां पर डीए क्या रहेगा, फुल. और अगर एवरेज सैलरी लेनी है तो एवरेज सैलरी का मतलब होता है लास्ट टेन मंथ सैलरी, एंड देन मेक इट एवरेज डिवाइडिंग बाई 10. लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इमीजिएटली प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ सैलरी. अगर एम्प्लॉई 25 दिसंबर को रिटायर हुआ, अगर एम्प्लॉई 25 दिसंबर को रिटायर हुआ तो आप दिसंबर का महीना छोड़ दो, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, तो ये 9 महीने ले लोगे आप, सॉरी 1 फरवरी 10 महीने ले लिए. जिस महीने एम्प्लॉई रिटायर हुआ वो छोड़ दो, उसके बैक 10 मंथ, उन 10 मंथ की आप एक एक महीने की सैलरी ले लो और उसे डिवाइड प्लस करके डिवाइड बाय 10 कर दो, वो आ गई एवरेज सैलरी. लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, जैसे 25 दिसंबर को रिटायर हुआ, तो आपने नवंबर से लेके फरवरी तक के पिछले 10 महीने गिन लिए, उन 10 महीनों की सैलरी में क्या क्या आएगा? उन 10 महीनों की सैलरी में आएगा बेसिक, डीए इफ एंटर, कमीशन, इफ परसेंटेज ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय. आई होप समझ गए होंगे आप. सेम एज एचआरए, जो हमने मीनिंग ऑफ सैलरी एचआरए में लिया था वही मीनिंग ऑफ सैलरी यहां आएगा. सेम मीनिंग ऑफ सैलरी यहां आएगा जो हमने एचआरए में लिया था.
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसके अंदर क्या आएगा। और इन 10 महीनों का आप इसको ले लो एक एक करके और डिवाइड बाय 10 कर दो, वो एवरेज बन जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। मिस्टर एक्स वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड, बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, डीए 5,000 पर महीना, 20% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, अज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग 16 ईयर एंड 8 मंथ। देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा कि वो कवर्ड है या नॉट कवर्ड, मैं मानूंगा वो नॉट कवर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, नॉन गवर्नमेंट है इसका मतलब, और कवर्ड नहीं है। एक और कंडीशन, ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2016 एंड रिसीव रुपी 2 लाख एज ग्रेचुटी। देखो आप क्या सिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, एक तो हम सीखेंगे ग्रोथ सैलरी निकालना, मेन तो यही है, लेकिन ग्रोथ सैलरी के निकालने के साथ साथ ना हम ग्रेचुटी कितना एग्जेम्प्ट होगा या ग्रेचुटी कितना टैक्सेबल होगा ये भी हम सीख लेंगे। इस क्वेश्चन में इसको ग्रेचुटी 2 लाख मिला है। प्लीज क्वेश्चन को आप लोग एक बार नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन नोट कर लेना, या क्वेश्चन में भी आपको मिला होगा साथ में। तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को मेरे साथ करिए, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी नंबर वन ऑफ मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 17-18। बेसिक सैलरी इस क्वेश्चन में कितनी थी बेटा, 10,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना। तो बताओ 10,000 इंटू 12 नहीं, 1,20,000 नहीं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर को रिटायर हो गया है, और अगर वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गया है तो क्या आप उसे जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी दोगे, नहीं दोगे ना, मार्च तक साल होता है। तो इसका मतलब 3 महीनों की सैलरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब उसे कितने महीनों की सैलरी मिलेगी, 9 महीनों की। तो 10,000 इंटू 9 90,000, डीए भी ऐसे होगा 5,000 इंटू 9 45,000, ग्रेचुटी मिली 2 लाख। अब हमें क्या ढूंढना है, इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है। इस एग्जेम्प्ट के लिए मैं बोलूंगा कि एग्जेम्प्ट कितना है, अगर आपको यह ढूंढना है तो सी वर्किंग नोट, वर्किंग नोट देखो और ढूंढो एग्जेम्प्ट कितना है। अच्छा ये बताओ ये एम्प्लॉई गवर्नमेंट है, नो। क्या ये कवर्ड है, नो। तो आएगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, पहला कौन सा आता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना था 2 लाख। दूसरा होता है 15/30 इंटू एवरेज सैलरी, वो तो मेरे को अभी आता नहीं निकालना, अभी निकालना पड़ेगा, इंटू कंप्लीटेड ईयर और कंप्लीटेड ईयर ओनली, इंटू कंप्लीटेड ईयर ओनली, 16 साल 8 महीने थे तो हम तो 16 ही लेंगे। तीसरा अमाउंट आपको बताए 10 लाख। अभी मेरे को अगर एवरेज सैलरी पता लग जाए ना तो मैं एवरेज सैलरी को यहां पुट करके 100% आंसर निकाल लूंगा, ग्रेचुटी कितना, इन तीनों की लिमिट निकाल लूंगा, तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फिर उस एग्जेम्प्ट को मैं वो मेन में ले जाकर माइनस कर दूंगा, बैलेंस इज टैक्सेबल। सो सिंपल, लेट अस स्टार्ट कैलकुलेट एवरेज सैलरी। सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी 10,000 इंटू 10 क्यों लिया मैंने, पिछले 10 महीनों की सैलरी, 10 महीनों की सैलरी 1 लाख, डीए लेना है लेकिन उतना जितना इफ एंटर है 20%, 5,000 का 20%, 1,000, 10 महीनों का 10,000, ये हो गया 1,10,000, ये बन गई आपकी 10 महीनों की सैलरी, एवरेज सैलरी नहीं है। अगर आप इसे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 11,000 आएगा और ये बन गई आपकी एवरेज सैलरी, और इस एवरेज सैलरी को आपको यहां पुट करना है, फिर आंसर आएगा 88,000। 88,000 इन तीनों में सबसे कम है, वो एग्जेम्प्ट है, तो हमने जो मेन क्वेश्चन कर रहे थे ना वहां पर 2 लाख में से 88 माइनस करेंगे एंड बैलेंस 1,12,000 ग्रेचुटी टैक्सेबल। होप आप लोगों को ग्रेचुटी का टैक्सेबल निकालना आ गया होगा, पहले से ही आता होगा, हम तो रिविजन कर रहे हैं, पर मेरी कोशिश है कि रिविजन में भी मैं आपको बहुत सारी बातें याद भी दिलवा दूं, बस यही एक कोशिश कर रहा हूं कि रिविजन से थोड़ा बढ़ के हो। 1,12,000 एंड देन ग्रोस सैलरी विल बी 2,47,000। फ्रेंड्स ग्रेचुटी हमने कर ली, पर ग्रेचुटी के बारे में 3 बातें मैं अभी और डिस्कस करूंगा, 3 बातें ओरली डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1, अगर ग्रेचुटी मैं 2 कंपनी में काम करता हूं और अगर मुझे दोनों कंपनी से ग्रेचुटी मिलती है और मैं दोनों से रिटायर होता हूं और मुझे दोनों से एग्जेम्पशन मिलता है, तो जो एग्जेम्पशन निकालने का तरीका है वो सेम रहेगा, लेकिन मैं ग्रेचुटी दोनों एम्प्लॉयर की जोड़ूंगा। लेकिन जो थर्ड लिमिट है ना, थर्ड लिमिट यानी कि 10 लाख रुपीज, वो दोनों एम्प्लॉयर के लिए एग्रीगेट रहेगा। मतलब मेरे को इधर से 5 लाख ग्रेचुटी मिली, इधर वाले एम्प्लॉयर से 7 लाख मिली, तो मेरा जो पॉइंट नंबर 1 होगा ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट वाला, वो होगा 12 लाख, 5 और 7 12,
सेकंड पॉइंट में 15/30 करके कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन तीसरा पॉइंट में 10 और 10 20 नहीं करूंगा, वो इन एग्रीगेट 10 लाख रहेगा। कहने का मतलब है एक आदमी को कितने भी एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिल जाए बट उसका एग्जेम्पशन लिमिट मैक्सिमम 10 लाख ही रहेगा। ग्रेचुटी का एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड मोर देन 10 लाख। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सपोज एक एम्प्लॉई रिटायर हो गया और उसे ग्रेचुटी मिली और उसने एग्जेम्पशन मिली, सपोज उसको 3 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिल गई, फिर उसने दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली, वो फिर रिटायर हुआ, उसे फिर ग्रेचुटी मिली, उसने